नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं DSSSB के लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों आज है 20 फरवरी 2019। अभी अभी चार नए रिजल्ट नोटिस जारी किए गए हैं DSSSB की तरफ से और उनके कट ऑफ मार्क्स भी आ गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से एक एक नोटिस देख लेते हैं और क्या कट ऑफ मार्क्स रहे हैं और कब तक आप अपना ईडोजियर अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डेट, देखिए डेट है 18/2/2019, जारी अब आज 20 तारीख को किए गए हैं। ये जुड़ा हुआ है ड्राइंग के टीचर से, ड्राइंग टीचर पोस्ट कोड 91/17, जो कि एग्जाम हुआ था 29/9/2018 को और इसमें कुल 295 वैकेंसी थी। अनरिजर्व्ड की 105, ओबीसी 122, एससी 48, एसटी 20, फिजिकली हैंडीकैप में ओएच की 5 और वीएच की थी 4 वैकेंसियां। तो अब इसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है और कैंडिडेट को ईडोजियर अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार से है, अनरिजर्व्ड के 80, ओबीसी 70, एससी 64.25, एसटी 61, ओएच के 64, फिजिकली हैंडीकैप वीएच का कोई भी कैंडिडेट इसमें नहीं मिला है। और कैंडिडेट्स को 10 दिन का समय दिया गया है ईडोजियर अपलोड करने के लिए, जो कि है 27 फरवरी 2019 से और 8 मार्च 2019 तक का। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं अगला रिजल्ट नोटिस। ये देखिए, ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल से जुड़ा हुआ है, 18/2/2019 को ही जारी किया गया है ये भी, और इसके भी कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये देख लीजिए, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 5 अगस्त 2018 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल, पोस्ट कोड 114/17 एंड अपलोडिंग ईडोजियर रिकॉर्डिंग। तो इसके आ गए हैं, जो इसमें कुल टोटल वैकेंसियां हैं 88, अनरिजर्व्ड की 47, ओबीसी 22, एससी 13, एसटी 8, फिजिकली हैंडीकैप्ड में वीएच की 1 और ओएच की है 1 वैकेंसी। ये है इसके कट ऑफ मार्क्स, अनरिजर्व्ड की कट ऑफ रही है 160, ओबीसी कट ऑफ 130, एससी कट ऑफ 139, एसटी कट ऑफ 133, फिजिकली हैंडीकैप्ड में ओएच की कट ऑफ 145.75 और वीएच की कट ऑफ रही है 130.25 रही है इसमें कट ऑफ। और इसका ईडोजियर आप अपलोड कर सकते हैं 27 फरवरी 2019 से और 8 मार्च 2019 तक का, 10 दिन का आपको समय दिया जा रहा है ये ईडोजियर अपलोड करने के लिए। अब चलते हैं अगले रिजल्ट नोटिस की तरफ। ये भी 18/2/2019 डेट डली हुई है, जारी आज किया गया है। ये है डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 28 अगस्त 2018 एंड 15 सितंबर 2018 फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी फीमेल। तो दोस्तों टीजीटी हिंदी फीमेल की कट ऑफ जारी कर दी गई है, पोस्ट कोड है 141/17 और कैंडिडेट को ईडोजियर अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। इसमें कुल पद है 151, अनरिजर्व्ड की पोस्ट है 93, ओबीसी की पोस्ट है 14, एससी की पोस्ट है 26 और एसटी की पोस्ट है 18 और इसी में शामिल है फिजिकली हैंडीकैप में ओएच की 3 और वीएच की 2 पोस्ट। यहाँ ये दे रखे हैं कट ऑफ मार्क्स, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड के 131.29, ओबीसी के 125.01, एससी के 117.75, एसटी के 109.90, फिजिकली हैंडीकैप में ओएच के 100.10 और वीएच के 95.33 और कैंडिडेट्स को ईडोजियर अपलोड करने के लिए दिया गया है 10 दिन का समय, जो कि है 27 फरवरी 2019 से और 8 मार्च 2019 तक का। ये सभी नोटिसों पे डेट है 18/2/2019, जारी किए गए हैं आज 20 तारीख में। अब चलते हैं अगले रिजल्ट नोटिस की तरफ। ये देखिए 18/2/2019 नोटिस नंबर 560 है। ये जुड़ा हुआ है टीजीटी नेचुरल साइंस मेल से, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 29/9/2018 फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, पोस्ट कोड है 135/17, इसमें कुल पद 122, अनरिजर्व्ड 143, ओबीसी 33, एससी 31, एसटी 15, फिजिकली हैंडीकैप में वीएच के 3 और ओएच की है 3 पोस्ट। और DSSSBonline.nic.in पे आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, सभी के मार्क्स अपलोड कर दिए गए हैं। यहाँ दे रखी हैं कट ऑफ, अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ रही है वो रही है 80.96, ओबीसी की कट ऑफ 73.73, एससी की कट ऑफ 85.45, एसटी की जो कट ऑफ रही है वो रही है 69.31, फिजिकली हैंडीकैप में ओएच की कट ऑफ 73.06 और वीएच की कट ऑफ इसमें नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं था अवेलेबल। यहाँ भी 10 दिन का समय दिया गया है, जो कि शुरू होता है 27 फरवरी 2019 से और समाप्त होता है 8 मार्च 2019 को। और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, इसमें बोला गया है कि उनको एसएमएस और ईमेल भी कर दिया गया है। तो अगर आपके पास एसएमएस ईमेल आ गया है तो और अच्छी बात है, नहीं तो ये नोटिस देख सकते हैं, नोटिस जारी कर दिया गया है। DSSSBonline.nic.in पे जाके आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मार्क्स कैसे चेक करने हैं इससे जुड़ा हुआ वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मैं
मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कहाँ कैसे जाके आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा DSSB ऑनलाइन की जो वेबसाइट है, मैं एक बार अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है DSSBonline.nic.in, ये वेबसाइट है। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, जो ये कोड दिखाई दे रहा है ये एंटर करके साइन इन कर लीजिए। रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको अपने मार्क्स दिखाई दे जाएंगे, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बड़ा ही इजी प्रोसीजर है। तो ठीक है दोस्तों, यही थी अपडेट जो आपको प्रोवाइड करानी थी इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, बाकी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि DSSB की तो कोई अपडेट हम छोड़ते ही नहीं है, सारी यहाँ प्रोवाइड कराते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।